subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं अब एक ऐसी अपनी मेहमान को बुलाऊंगी कि जिनको आपने राज करते देखा है फिल्म इंडस्ट्री पे, और खूबसूरत परफॉर्मर, जबरदस्त किस्म की डांसर, कमाल किस्म की उनकी जो है वो जिंदगी आज भी वो दिलों पे राज करती हैं, इसलिए कि हमारी लेजेंड है, हमें उन पर बड़ा फ़ख्र है, हमें उनसे बड़ा प्यार है, लेकिन इस मरहले से वो भी गुजर रही हैं। वो जो एक बहू ढूंढने का होता है ना कि एक अच्छी बहू मुझे मिलनी चाहिए, एक अच्छी लड़की की तलाश है, एक अच्छे रिश्ते की तलाश है, तो आज हमने उन्हें यहाँ पे दावत दी है। मेरे साथ हैं निशो साहिबा, जब मैं साहिबा कहती हूँ लगता है माँ बेटी आ रहे हैं, इसलिए निशो और उनके साथ हमजा। ये आप दिन ब दिन जवान होती जा रही है, पता नहीं ये अल्लाह का करम है और ये आपकी नजरों में मोहब्बत और आपकी नजरों का जादू। नहीं, थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह बरखुददार के लिए लड़की की तलाश है? नहीं, मुझे रिश्ते चाहिए, एक ही बेटे के लिए चार लड़कियां। जब हमारा मजहब इजाजत देता है, आदमी ख्वाहिश कर सकती है कि चार शादियां जायज हैं, तो सास ख्वाहिश नहीं कर सकती? वैसे सास की ख्वाहिश जरा वो लगती है। नहीं नहीं, बिल्कुल एक ही घर में मैं चार बहुएं रखना चाहती हूँ, इकट्ठी, क्योंकि मेरा घर इतना वीरान है, इतना लोनलीनेस का शिकार हूँ, मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा ना, मतलब आप सिर्फ मुझे बता दें कि मेरा क्या कसूर है। ये कसूर नहीं है बेटा, ये एक जायज ख्वाहिश है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जायज है, मजहबी एतबार से, लीगली, मोरली, कोई ऐसी बात नहीं है, ये मैं तब्दीली लाना चाह रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी रखेंगे आप, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। जी 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 जी, कि जब अपनी बारी होती है हमारी ख्वातीन की, जब फर्ज किया हमारी आपकी शादी हुई हुई है, जब चली जाए थोड़े अरसे पहले पीछे तक, तो हम चाहते हैं हमारे साथ कोई और नहीं आना चाहिए। मतलब उस वक्त हम कहते हैं हमारा हस्बैंड और किसी दूसरी के बारे में सोचे, हम तो जान ले लेंगे उसकी भी। ये देखें, ये हमारे मजहब में नहीं है, हमारे वहाँ सऊदीया में है एक शख्स की चार चार पांच पांच आठ आठ दस दस बीवियां होती हैं। बिल्कुल सही है ना, मगर एक साथ नहीं, अगर चाहे तो दो तीन बीवियां हम रख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने मदर्स को अपने घर में यही माहौल देखा है कि अबू की आज दूसरी शादी है, अबू की आज तीसरी शादी है, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि हमारा मुआशरा एक दूसरे मुल्क के थोड़ा सा पैटर्न पे चलता है। अच्छा, हमारे यहाँ के एक मरना जीना है, ये है वो है, और हम दूसरी औरत को देखना भी पसंद नहीं। सारे मर्द बड़े खुश होंगे आज निशो जी की बातें सुनकर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, निशो जी, हर माँ जो है ना वो यही बातें करती है, इसीलिए सास से लोग डरते हैं, क्योंकि ना हर सास ये कहती है अगर तुम मेरी बेटी के साथ ठीक तरह से नहीं रही ना, मैं दूसरी ले आऊंगी, मैं इसकी दूसरी ले आऊंगी। तो मैंने तो कहा एकदम चार कट्ठी लेके आओ। अब मेरा बेटा आज के बाद मेरे आगे ऊंचा नहीं बोलेगा, ना मेरे साथ कोई थोड़ा सा भी रफ अपना एटीट्यूड रखेगा। अच्छा, बिल्कुल, इसको मैं बतौर सजा चार शादियां एक ही दफा ये करे और एक ही घर में वो रहे, और इससे पता चले औरतों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल, चले आज एक डील करते हैं, अगर तो आपने ऐसी चार लड़कियां ढूंढ ली तो मैं राजी हूँ। आपने ऐसी चार लड़कियां ढूंढ रही जो इकट्ठे रहने के लिए तैयार हुई, तो हमजा पॉइंट इज आजकल ऐसी मिलना बहुत मुश्किल। बिल्कुल से। अच्छा, आप थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, पहले नाहिदा आप बताइए, बहू में क्या चीजें होनी चाहिए? एक सॉफ्ट लड़की होनी चाहिए, नरम मिजाज होना चाहिए, नरम मिजाज हो, बिल्कुल ठीक है। और जिसे कहते हैं एटिकेट्स एंड मैनर्स, बड़ों का अदब लिहाज, ठीक है, बादब और खुश अखलाक, है ना? बिल्कुल, मैं यही लिखूं? बिल्कुल सही। और पोलाइट हो अपने लड़के के साथ,
और जब वो होगी तो वो सभी के साथ होगी, क्योंकि ये वो नहीं है कि आप अलग अलग लोगों के साथ अलग अपना रवैया रखें। ठीक है, मेन चीज यही होनी चाहिए, मेन चीज ये है। हाँ, अब देखिए ना, बिल्कुल सही निशा जी। जी क्या होना चाहिए बहू में, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बहू में क्वालिटी हो वो जो ट्रेंड चल रहा हो उसके फैशन करे, सास के आगे बोले ना, जो नया जोड़ा खुद लेके आए मियाँ के साथ जाके शॉपिंग करके, वो मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। और जिस पार्लर में वो जाए वो हमेशा दो की डील करे, मेरे आगे बिल्कुल ना बोले, यकीनन उसको कोई मतलब, वो सिर्फ खामोशी से जब वो बोलेगी मैं कहूंगी ठीक है। और जब बेटा मेरा सामने मेरे पास आए तो बेटे को चाहिए कि अपनी बीवी से मुखातिब बिना हो, बस। ओए होए हमजा, अम्मा क्या कह रही है? इसी बेटा है आपका? जी जी जी, इसी में मैं सारी दुनिया सारी कायनात देखना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कम अज कम इसके बच्चे जो है मेरे पोते पोतियां 12, 14 या 16 हूँ। 12, 14 या 16 ये एक मिनट, इनका तेल का कुआं कहाँ पे निकला हुआ है? जी हमारे ठीक है हमजा भाई, 12, 14, 16 बच्चे अम्मा तो करवा देंगी, तो आई पालेंगे कैसे हम? वो भी यही बताएंगी। मैं बिल्कुल बताती हूँ। देखिए हमारा ईमान है कि आने वाली अपना मुकद्दर साथ लेके आती है। हाँ। और इससे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए कि चारों को घर बैठ के बाइज्जत तरीके से कमा के खिलाए। ये तो मेरा अपना जाती ये नजरिया है, बिल्कुल अच्छा। सही है, लेकिन मुझे घर में बहुत रौनक चाहिए, मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेली हूँ। ओए होए होए, अल्लाह बहुत जल्दी रौनक दिलाएगी। मतलब आप अपना सोच रही हैं? हाँ। जी, जी मेरा नहीं सोचती, मैं अपना भी सोचती हूँ। मैं और ये दो थोड़े ही है, यही से माँ बाप का वो सास बहू का इख्तलाफ शुरू हो जाता है, मगर कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये वो है। नहीं, मगर हम आप दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं। मगर मैं पूछ रही हूँ, हमजा जी, हमजा अम्मा ने तो बता दिया बहू कैसी होनी, अब बेटा क्या देखता है बीवी में, बेटे को क्या चाहिए? नंबर वन प्रायोरिटी के लिहाज से बताना, घर तो आकर औरत को संभालना होता है ना। क्या कहा आपने? मैंने कहा घर औरत को ही संभालना होता है 100%। तो औरत को कम से कम देखिए, आपके जितने भी हेल्पर्स हों घर में, फिर भी जब तक घर वाला इन्वॉल्व नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और एक औरत पहचानी जाती है उसके अपने घर से। बेटे कितनी देर है चाय में? आ रही जाना है ना? नहीं रहने देते हैं हम, फिर चाय नहीं पीते। आ रही आ रही, अभी चाय लेके आ रही। पता नहीं घर से मिलेगा या नहीं, खाली है ना। अच्छा हम भूखे नंगे घर से आए हैं? हाँ नहीं, जल्दी से आ भी जाओ, बस आ रहे हैं। ठीक है, और ला के जल्दी से आपने टेबल पर वन बाय वन आए, फरे आ जाओ पहले जल्दी से यार, ठीक है, ताकि सारे नुक्स मुझ में। अच्छा किसका ट्रे आपको लगता है सबसे अच्छा सजेगा, किसका ट्रे अच्छा लगेगा? अच्छा जो आपकी आपकी वो है उनका, कितने लोग उनके साथ हाथ उठा के बताना है। अच्छा किन लोगों को लग रहा है कि निमरा का ट्रे बहुत अच्छा होगा? नहीं, किन लोगों को लग रहा है कि फारिया का ट्रे अच्छा बनेगा? भाई अच्छा सजेगा, कोई एक भी नहीं है फारिया, दो तीन लोग, चार पांच। चलो मैं जा रही हूं। आज ट्रे की सजावट देखकर ही रिश्ता तय होगा। अच्छा तो हम इनकार ही समझते हैं। जूस पहले आप जूस ले आओ। चाय जूस ले आओ, पर जूस मिला नहीं। अच्छा बेटे ले आओ चाय, ले आओ चाय, चाय मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अभी से आराम से करो। क्या क्या करते जी? अभी से सिर्फ ये साइड पे ही रखे और क्या किए? आइंदा ऐसी हरकत ना करना, उसको करने दो। अच्छा अभी से तुम नीचे लग गए हो। इनको यकीन नहीं था, कहा था ना लेके भाग जाऊंगी, मानी नहीं बात। अच्छा ये तुम अगर तुम ऐसे बात करोगे तो तुम्हारी शादी नहीं होनी कभी भी। नहीं नहीं, इसी से शादी करूंगी। अच्छा मुझे ऐसा अग्रेसिव बंदा चाहिए, ऐसा जो चैलेंज कबूल करे। अच्छा ससमा चाय पिए। थैंक यू।
थैंक यू। आपके लिए तो स्पेशली बनाई है। क्यों मेरे लिए क्यों नहीं? मेरे लिए क्यों नहीं? मतलब वापस लो, मुझे नहीं पीनी, इसके लिए स्पेशल बनाई है। अच्छा आपके लिए तो बिस्किट भी लाई थी ना, आप समझी नहीं बात को। उनके लिए तो सिर्फ चाय बनाई थी। थैंक यू थैंक यू। ले ना, थैंक यू। ये रिश्वत देनी पड़ती है साहब, आपको तो पता ही होगा। क्या क्या कह रही हो? रिश्वत देनी पड़ती है साहब को। अच्छा अब तुम्हें हाँ। कदमों में ही बैठी रहोगी, कुछ और भी करना है? अब रिश्ता भी तो पक्का करवाना ना, बाद में देखेंगे। इतना भी नहीं पक्का करवाना, आ जाओ। अच्छा अब नाइद आप ऑब्जर्व कर रही हैं? हाँ, अभी बताएंगी। हाँ आप अभी बताएंगी कि क्या हुआ क्या है। ठीक हो तुम? मैनर्स तो ठीक है भाई, बाकी बातें भी तय कर लेंगे। अच्छा चलो आ जाए। दूसरी आ गई जी, दूसरी ट्रे आई है। अच्छा डाल के मैंने दे दी, कुछ डाल लेंगी। क्या मतलब है? ले आई हूँ ना, इतना काफी नहीं है। लड़की क्या मैनर्स यही सिखाए हैं तुम्हें मैनर्स है? हाँ मैं कहती हूँ कि जैसा बाद में रहना वैसे ही पहले एक्ट कर लूँ। अच्छा बाद में तुम ऐसी होगी? हाँ मैं तुम्हें ठीक कर लूंगी, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैंने रैम्बो को ठीक कर लिया। वेरी नाइस Good. ये वाली चाय ज्यादा मजे की है। मुझे तो खराब वाली चाय थी, मैं नहीं पीती भाई। अच्छा क्यों? ये मेरी चाय में क्या डाला है? क्या डाले? थोड़ा सा जहर। कोड वर्ड्स में क्या? ये माँ बेटा कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं, ये वाली चाय ज्यादा अच्छी है। ठीक है खुल के नहीं कह सकते ना, खुल के नहीं कह सकते, माँ ने दबा के रखा। अच्छा निमरा अपनी ट्रे लेकर आए यहाँ पे, और नाहिद आपा जो है ना वो थोड़ा सा उसको, अच्छा आप भी ले आइए, आप भी ले आइए, ताकि आपका भी, हाँ आप भी ले आइए, लेकर आइए और आकर तो सब करने से वाकई आपके घर में मेहमान आए। चल क्या करना है, बस ठीक है ना। हो गया, जीती रहो। थैंक यू। भाई को भी सलाम कर। आप रिश्ता नहीं आई हुई है? नहीं नहीं नहीं, तो मेरी बेटियों जैसी है। थैंक यू। बेटियों जैसी है? नहीं नहीं बस अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। एक नंद भी तो चाहिए ना सास इनसे लड़ने के लिए। अकेली मैं कहाँ तक मुकाबला करूंगी। बिल्कुल से बिल्कुल से। अच्छा ले आइए, लेकिन आपकी ट्रे भी हमने देखी बहुत अच्छे, शाबाश, वेल मैनर्ड।